फवाद साहब, और भी कुछ जो अभी आपके आइडियाज हैं, कोई एक नया आइडिया पर हम लोग कुछ रोशनी आप डालिए। देखिए, चाइल्ड केयर सर्विसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो दूसरा एक आइडिया है, दूसरी एक सर्विसेज है खिदमत की, जी उसे कैसे हम मॉनेटरी लेवल्स पे तब्दील कर सकते हैं, उससे हम कुछ अपनी रोजी रोटी का जरिया भी बना सकते हैं। मैं बहुत एक लाइव एग्जाम्पल दूंगा कि हमने देखा है कि आज का पेशेंट रेट जो है, यानी कि जो मरीज होने का जो रेट है, वो बहुत हाई है। बीमार लोग ज्यादा पड़ रहे बीमार हैं। लोग ज्यादा पड़ गए हैं, उसके रीजंस कई हो सकते हैं, हम नहीं जाएंगे उस गुफ्तगू में, चाहे वो माल न्यूट्रिशन हो, अल्ट्रेशन हो, गंदा पानी मिलना हो, अच्छा एटमोसफेयर नहीं मिल पाना हो। देर आर न्यूमरस रीजंस, बहुत सारे वजुहत हैं जिसकी वजह से बीमारी का रेट बढ़ चुका है। और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में केसेस जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि जो कि एडमिट होने की कगार पे आते हैं। जब आदमी बीमार होता है तो उसका मोराल, उसकी हिम्मत, हौसला अफजाई टूट जाती है। वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है, क्योंकि शैतान का वसवसा हर एक के साथ में है, वो कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि यार मैं बीमार हो गया, अब मैं वीक हो जाऊंगा, मैं फीबल हो जाऊंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरे अंदर वो कुवत नहीं बचेगी। और खासतौर पर जो ओल्ड सिटीजन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके अंदर ये बातें ज्यादा आने लगती हैं, उनके अंदर वसवसे ज्यादा आने लगते हैं। किसी के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस एज में पहुंच चुके होते हैं जहां पर उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है, जहां पर उन्हें एक मॉरल की जरूरत है। तो इसी के साथ हमारा एक नया बिजनेस आइडिया जो कि हम इसमें शुमार करेंगे, वो है पेशेंट केयर सर्विसेज। पेशेंट केयर पेशेंट सर्विसेज केयर जी सर्विसेज उसका भी रीजन क्यों है, देखिए आज के दौर में बिजीनेस जो है, बिजनेस नहीं, बिजीनेस जो है, मसरूफियत जो है, बहुत बढ़ चुकी है। अगर किसी के घर में कोई पेशेंट है, लेकिन उसको अपने ऑफिस भी जाना है, अपनी दुकान भी जाना है, कारोबार भी जाना है, तो वो जाहिर है कि उसका भी हर्जा उसका होता है। वो ये चाहता है कि भाई रात में आकर के तो मैं इसके खिदमत कर लूंगा, लेकिन दिन भर के लिए मुझे तो चाहिए ना कोई। तो उसी जीवन में ऐसे लोग जो कि खिदमत करना चाहते हैं और खिदमत से कुछ अपनी रोजी भी कमाना चाहते हैं और अपना घर बार को गुजर बसर करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। पेशेंट केयर सर्विसेज में सबसे अहम जरूरी बात है कंपैशनेट होना। कंपैशनेट होना कंपैशनेट होना मतलब आपको पेशेंट के कंफर्ट लेवल में जाना है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है, पेशेंट आपसे बात करे उसको सुकून मिले, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं होता, वो तो एक वैसे ही उसका हौसला अफजाई कम है, कमजोर है, इमोशंस उस इमोशन यानी से। कि आप सॉरी इंटरव्यू, यानी कि आप बात ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ दवाई देने तक ही हम महदूद बिल्कुल ना रहें, हम उसके साथ घुले मिले, उनसे बातें करें। बिल्कुल, जी जी देखिए आगे इलनेस का ट्रीटमेंट जो होता है, बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है, उसका डायग्नोस जो होता है, वो हॉस्पिटल में हो जाता है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट झेल पाना एक पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं और कई सारे मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट्स हैं कि सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं पेशेंट को, वो डिस्चार्ज के बाद होते हैं। हॉस्पिटल में तो उसको ट्रस्ट होता है कि हाँ मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह मेरा इलाज हो जाएगा, मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी अल्लाह के फजल से, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, जब डॉक्टर उसके सामने नहीं रहता, तो जाहिर है कि उसको कंफर्ट करने वाला कोई नहीं होता। और यहाँ पर लोगों के पास जो तीमारदार होते हैं, जो खिदमत गुजार होते हैं पेशेंट से, उनके पास टाइम की शायद कमी हो जाती है, जिस वजह से वो मुकम्मल ध्यान नहीं दे पाते हैं। दवा वक्त पे मिल रही है नहीं मिल रही है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होना है नहीं होना है, कोई अगर ड्रेसिंग कंपाउंडर वगैरह आना है नहीं आना है, पेशेंट की हालत का क्या सीन है, क्या उसका सिनेरियो है, वो देखना बार बार, उसकी लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, उसकी क्लीनलीनेस फवाद सर्विसेज हैं। साहब, जी जितनी सारी चीजें आप बता रहे हैं, क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए, नॉर्मली अगर आप केयर टेकर की बात करें तो यहाँ पर लेवल्स हैं, जी नॉर्मल से स्पेशलाइजेशन तक। ओके नॉर्मल खिदमत के लिए एक ऐसी औरतें या ऐसे मर्द हजरात जो कि शायद कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसी जरिए से, और वो चाहते हैं कुछ बिजनेस करना, कुछ कमाना एक फ्रीलांसर के तौर पे, तो वो जाहिर है जा सकते हैं। ऐसी औरतें जो बिल्कुल इस स्टेज में है कि शायद उनको एक्सेप्टेबिलिटी उनकी खत्म हो चुकी है, तो वो अपनी खिदमत दे सकती हैं बूढ़ी औरतों को जो पेशेंट्स हैं, या ऐसी औरतों को, क्योंकि यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि औरत केयर टेकर औरत मरीज के पास होनी चाहिए, मर्द केयर टेकर मर्द मरीज के पास होना चाहिए। हिजाब का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जाहिर है कि आप क्रॉस कनेक्शन नहीं करा सकते जी उसमें, ठीक है। तो वहां पर उसकी क्लीनिंग सर्विसेज हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, दवाई वक्त पे देना नहीं देना ये तो बहुत आम सी बात है। हाँ, इसमें स्पेशलाइजेशन जरूर है, यहाँ पर भी ANM और GNM वगैरह के कोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट कराती है, कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स प्राइवेट बॉडीज भी कराती हैं, इसमें भी कोर्सेज की ड्यूरेशन है, 3 महीने से शुरू होकर के 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको जो है। तो सब एक सवाल मेरा इसमें ये आ रहा है कि क्या कहीं हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई स्पेशल कंपनीज हैं, या कहीं ऐसी कोई हेल्पलाइन है जहाँ पे हम लोगों को ऐसे लोग मिल जाएं कि किसी के घर में कोई बीमार है तो वो अगर चाहता है कि ऐसा कोई मिल जाए, तो ऐसे कोई आइडियाज अभी नहीं, है देखिए मौजूद? ऐसे बहुत लोग हैं जो ओके चाहते हैं, और आपको अपना एडवर्टीजमेंट वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू करना है, आपके कनेक्शन, मैंने पहले भी बोला था कि नेटवर्क बनाना, आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, जितना आपकी लोगों तक रीच होगी, उतना ही जाहिर है कि आपके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोगों तक आपकी खिदमात पहुंच सकती है। तो इस तरीके से माशरे में डिमांड बहुत है इस चीज की। आप शहर की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली बंबई की बात छोड़ दीजिए, माशरे में डिमांड है इस चीज की, सप्लाई बहुत कम है, और एक ऐसा स्कोप है, ऐसा फील्ड है जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है।
वहां पर अगर आप अपनी सर्विसेज देंगे तो पीपल आर रेडी टू पे यू, लोग तैयार हैं, लेकिन उन्हें वो चीज केयर टेकिंग के तौर पे चाहिए। फवाद साहब, जो पॉइंट आप बता रहे हैं, क्या इसको हम एक अलग लेवल पे भी ले जा सकते हैं कि ऐसा कोई हम ट्रेनिंग स्कूल चालू करें जहां पे ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं माशरे में, जैसे डॉक्टर्स की टीम हो या कुछ सोशल वर्कर्स की टीम हो, तो उन्हें चाहिए कि एक ऐसा इदारा कायम करें, कम से कम उन्हें करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग ट्रेन हो सके वहां पर, बाकायदा उनके एग्जामिनेशन हो, उनके सर्टिफिकेट कोर्सेस हो, और वहां पर डिमांड्स भी आए कि हमें जरूरत है, आप हमें मुहैया कराइए ऐसे लोगों को। तो ये भी एक बहुत अच्छी आपने बात बताई, और ये भी एग्जीक्यूट हो सकती है। इसमें भी इंशाल्लाह आप फीस ले सकते हैं उनसे, यहाँ से आपको फीस मिल सकती है। तो जाहिर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक बिजनेस है, वो भी इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल पे काम हो सकता है। तो इसके साथ साथ में जिन लोगों को हम अपने पास रखेंगे नौकरी के ऊपर जो रखेंगे, बिजनेस का एक आइडिया है, तो उसमें हम उन लोगों को बाकायदा सिर्फ क्लीनिनेस और दवाई देना और उनकी केयरटेकिंग के अलावा दीन से रिलेटेड कैसे उनको समझाया जाए? जब आदमी बीमार होता है तो उसका दिल बहुत माइल हो जाता है दीन की तरफ। जी जी, उसे अल्लाह और सब बातें उसे बहुत अच्छी लगने लगती है, सुकून मिलता है, और दिस इज द करेक्ट टाइम, दिस इज द करेक्ट टाइम, राइट। सबसे बेहतरीन वक्त है दिल को जीतने का। आप बेहतरीन खिदमत कीजिए, कौन आपका बैठ के कुरान का दर्स नहीं सुनेगा? मरीज जो बिल्कुल हिम्मत हार चुका है, उसके लिए तो वो एक शिफा है। मतलब आप साथ साथ में दो काम कर रहे हैं, दावत भी दे रहे हैं और उसकी खिदमत भी कर रहे हैं, हमारे हर बिजनेस और आप साथ साथ में आप कमाई भी कर रहे हैं। हर बिजनेस का एम ये होना चाहिए कि मुझे बिजनेस के साथ साथ दावत का काम भी अंजाम देना है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, फवाद साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी कायम कर सकते हैं जहां पर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और ऐसे लोगों को तैयार किया जा सकता है कि वहां पर लोग आपको डिमांड करें कि ऐसे लोगों की जरूरत है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है फवाद साहब और एक नए नए आइडियाज के बारे में बात चल रही है, और इसी मुद्दे को, इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आइए फवाद साहब से और कुछ सवाल पूछते हैं। फवाद साहब, ये बताइए कि इस शोबे में और आदमी मजीद कैसे आगे बढ़ सकता है? ठीक है, कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन, बहुत दीज आर द टू कीज, ये दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। और पेशेंट को कम्फर्ट चाहिए, पेशेंट को मोटिवेट करने का है, पेशेंट की हौसला अफजाई करने का मामला है यहाँ पर, ठीक है। तो जो केयर टेकर है, ही और शी हैज टू बी वेरी मच कंपैशनेट, उसको बहुत ज्यादा पेशेंट से कुर्बत का मामला रखना चाहिए, तभी तो उसकी हौसला अफजाई होगी। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट पैसे कमाना नहीं है, हमारा टारगेट रोजी कमाना है, दोनों में डिफरेंस है। रोजी में बरकत है और पैसे में मामला थोड़ा सा नेगेटिव वाला हो जाता है। दूसरी बात, हमारा दूसरा मोटिव क्या है? दूसरा मोटिव हमारा है कि पेशेंट किसी तरीके से हील अप हो जाए। देखिए, एक बार अगर आपकी बात मार्केट में चली गई तो वो वर्ड ऑफ माउथ बन जाती है। आज ये बीमार हुआ है, कल को अल्लाह ना करे कोई और बीमार हो, तो जाहिर है कि आपकी डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। उसको कंपैशनेटली बात करना, उससे कम्युनिकेट करना, उसकी जरूरत समझना, उसके दर्द को महसूस करना। आप इमोशन से बात कीजिए, इमोशंस आप कब जीत सकते हैं? जब आप किसी का दिल जीते। और दिल कैसे जीतेंगे? जब आप उसके जूतों में अपने पैर रखेंगे, उसकी हालत को समझेंगे, उसकी कंडीशन को समझेंगे। और जब तक आप उसकी कंडीशन को नहीं समझेंगे, उसको आपको बार बार उसको कंपैशनेट तरीके से उसको उसकी हौसला अफजाई करनी है, उसको बोलना है कि नहीं, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा, तो उसका ईमान बनेगा। और जब ईमान बनेगा तो हीलिंग में, रिसर्च रिपोर्ट्स कहती है कि हीलिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कम्युनिकेशन, कंपैशनेट होना। और जितना कंपैशनेट आदमी नहीं हो पाएगा, जितना वो अकेला पड़ेगा, जितना वो लोनलीनेस में चला जाएगा, अकेलेपन में चला जाएगा, उतनी ही देर लगती है हीलिंग प्रोसेस में, सही होने में। तो सही होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंपैशनेट होना, कन्वर्सेट करना, कम्युनिकेट करना, बातचीत का मामला बढ़ाना, उसे मोहब्बत करना। अल्लाह का बंदा है, बीमार है। फवाद साहब, जैसे कि आपने बताया, अगर कोई इस टाइप की फर्म स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें जो लोगों को वो चुनने वाला है, तो कैसे लोगों को चुनना चाहिए, इसमें खास क्या ध्यान रखे वो? देखिये, आप बात कर रहे हैं जो वो ट्रेनिंग सेंटर का जो मामला है उसमें। देखिये, आप वहां पर स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वहां पर उनको टेस्ट ले सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, वहां पर बकायदा लाइव सेशंस हो सकते हैं वहां पर, और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं लाइव सेशंस को। और उसके हिसाब से कैसे कब बात करनी है, दवाई का मामला क्या रहेगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट क्या है क्या नहीं है, तो ये सारे मामले उधर आएंगे। वो बकायदा ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए इस चीज के लिए। और मैं समझता हूँ कि दावा सेंटर्स हैं या और जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समाज में माशरे में एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस पहलू पे ध्यान दें, और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको डिमांड से मीट कराएं, सप्लाई को डिमांड से मीट कराएं। तो ये जाहिर है कोई ना कोई एक एजेंसी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटिटी होनी चाहिए जो ये काम बखूबी नहीं पाएगी। बकायदा ट्रेनिंग, उनकी तरबियत सबसे पहले, जब उनकी तरबियत होगी तभी तो वो आगे तरबियत कर पाएंगे किसी की। तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस से इसमें काम आगे चल सकता है, और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे लेवल पे हम काम कर सकते हैं इसको। फवाद साहब, इसी सिलसिले को आगे मजीद बढ़ाते हुए और समझने की हम कोशिश करेंगे इसको, इसकी सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? देखिए, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, इस्लामी मद्देनजर रखते हुए, कि इस्लाम ने वो रास्ता दिखा दिया लोगों को कि जहां पर इंसान इंसान की मदद करेगा, हेल्प करेगा,
उसको अपलिफ्ट करने में मदद करेगा। और अल्लाह ताला ने एक मरीज की खिदमत करने की एक अलग फजीलत रखी है। अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो किसी कमजोर के और किसी मरीज की मदद करते हैं। इसकी फजीलत बहुत बड़ी है और हमें इसको समझने की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सामाजिक मामले हैं तो वो कुछ एक पहलू पे तो आवाज उठाते हैं, अच्छी बात है, अल्लाह ताला उन्हें और मजीद उसमें कामयाबी अता फरमाए खैर के साथ। लेकिन मसला यह है कि ये इशूज हैं, हमें इनको समझना पड़ेगा, हम इनसे दरगुजर नहीं हो सकते। सोसाइटी में इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ना सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे बल्कि सोशल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। मरीज की खिदमत करना हॉस्पिटल में, मैंने जैसे बोला कि हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसकी बीमारी शायद वहां पर उसकी ट्रीट हो जाए, डायग्नोस हो जाए, खत्म हो जाए, उसका इलाज हो जाए। लेकिन व्हाट आफ्टर दैट, जो इमोशनली वो वीक हो चुका है, एक आदमी है वो फिजिकली वीक हो गया, उसको पैरालिसिस का अटैक हुआ, अब उसके दिमाग में क्या रहता है कि मैं कभी जिंदगी में चल नहीं पाऊंगा, और वो कैसे चल पाएगा जब तक उसको मोटिवेट नहीं किया जाएगा। तो मोटिवेशन की, खिदमत की बहुत इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, और इस असल मसले को, इस मरहले को समझने की, इस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की जरूरत है। कुछ लोग आगे आए जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करें और आगे चलें, चाहे वो सेंटर्स के ताल्लुक से हो, चाहे वो वॉलंटियर्स के ताल्लुक से हो, और जाहिर है कि जब ऐसा करेंगे तो एक अलग ही उसमें मामला और एक अलग ही इंडस्ट्रियल लेवल पे मामला चल पाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, एक बड़ा बिजनेस बन सकता है, बस जरूरत है कि इसमें आपको सोचने की और समझने की वाकई इस। मैं आपकी एक बात और काटना चाहूंगा इस मसले में कि वेस्ट ने इस चीज को अपना लिया और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहां पर, ये वहां पर बकायदा ऑन कॉल्स नर्सिस अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों, क्या रीजन ऐसे रहते हैं कि यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पर व्यूअर्स के लिए कि मैं कतन इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत ना करें। मैं दोबारा पहले बता दिए, अगर कोई आदमी सर्विस करता है 9 to 6 की जी, या कोई अपना उसका खुद का बिजनेस है, बिल्कुल तो बिल्कुल अपने बिजनेस को, अपने जॉब को छोड़ के तो वो नहीं कर सकता बिल्कुल। लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सोसाइटी के अंदर काम नहीं है, तो इसके जरिए उनको भी काम मिल जाएगा, वो ऐसे करके अपनी रोजी कमा सकते हैं। तो मैं कतई इस चीज को प्रमोट नहीं करता, किसी भी लेवल में प्रमोट नहीं करता कि बच्चे अपने वालिदैन की या अपने बड़ों की या अपने रिश्तेदारों की, जिनके ऊपर उनका हक है, उनकी खिदमत ना करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा में फरमाता, या अय्युहन नासु तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا। अल्लाह ताला इस चीज की इंपॉर्टेंस बताता है कि ऐ इंसानों, अपने रब का तक्वा इख्तियार करो, और जिसने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया और तुम में से तुम्हारे लिए एक जोड़ा पैदा किया, अपने रब से डरो, उसका तक्वा इख्तियार करो, और उन लोगों की भी इज्जत करो, उन लोगों से भी मोहब्बत करो जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी परवरिश में मदद की है। तुम बहुत कमजोर थे, आज तुम्हारे माँ बाप कमजोर हो गए, वीक हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चले जाओ। मैं कतन दोबारा तीसरी बार में ये बात बोलता हूँ कि मैं कतन इस चीज को प्रमोट नहीं करता, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे जेन्युइन केसेस होते हैं कि जहां पर वाकई वो सर्विस नहीं छोड़ सकता, लेकिन घर में जरूरत है, फिल वक्त जरूरत है, तो वहां पर ऐसे वॉलंटियर्स की जरूरत आएगी, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस फैक्ट को। मगरब दुनिया ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। जाहिर है कि अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत भी करते हैं तो भी तो आपको मदद चाहिए, गोया कि ऐसा मौका है कि आप खुद भी खिदमत कर रहे हैं लेकिन आपको फिर भी तो जरूरत पड़ती है किसी साथी की, दवाई लानी है किसी मेडिकल स्टोर से, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने जाना है, तो जाहिर है कि वहां पर इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आगे इंशाल्लाह। फौज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है घर के अंदर, तो भले फैमिली के अंदर 10 लोग हों, उसको संभालने के लिए 2 से 3 से 4 आदमी की जरूरत पड़ती है, वो जरूरत है, और इसी चीज को तो हमें टैप करना है जी, कि कहां पर ये नब्ज जा रही है, इसको पकड़ना है, इसको स्कोप को देखना है, इसमें अगर कुछ हम इकोनॉमिक आउटकम्स निकाल सकते हैं तो बहुत बेहतर बात होगी। और ऐसी जगह पे हमारे घर में अगर कोई ट्रेंड आदमी हो जिसको ये सारी बातें पता हो कि भाई ये मरीज है, इसको किस तरीके का इलाज देना चाहिए, किस टाइम पे डॉक्टर की सपोर्ट लेना चाहिए, अगर कोई वेल एक्सपीरियंस बंदा हमारे साथ में हो तो वाकई काफी अच्छी बात हो सकती है, और ट्रेंड बंदा अगर हो, ट्रेंड इंसान हो, तो और अच्छी बात है, मजीद बात है इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तो चाह रहा था कि आपसे और भी बातें करता रहूं, लेकिन वक्त हो चुका है कि हम अपने प्रोग्राम का यहाँ पे अख्तिताम करें। नाज़रीन, वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन फवाद साहब ने जो बात बताई, जो इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने निशानदेही की है, इसके ऊपर फिक्र करने की जरूरत है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन सकती है, ना ही सिर्फ इससे दुनिया आपकी सुधरेगी, साथ साथ में आप अपनी आखिरत भी सुधार सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं इस टाइम पर जिन लोगों को आप सपोर्ट अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो रखिए अपना ख्याल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV, फ्री टू एयर,
और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।